हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, जय माता दी। तो ये नवरात्रि के पांचवें नवरात्रि का व्लॉग है और दिन है शनिवार। तो अभी 2 बजे हैं, तो 2 बजे के बाद मैं अपना जो है खाना बना रही हूँ। सुबह बच्चों ने फ्रूट्स ले लिए थे और बच्चों का सैटरडे संडे ऑफ होता ही है, तो जब बच्चे घर पर रहते हैं ना तो काम ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन काम ऐसे लगता है कि काम ज़्यादा हो गया। और मैं धीरे धीरे करती हूँ बच्चों के साथ खेलना कूदना बातें करना, लेकिन नवरात्रि में ना बच्चे भी हमारा ही खाना खा लेते हैं। तो अभी ना मैंने घी बनाया है और वो घी को छान कर रख रही हूँ, जो कि पूजा में और खाने में काम आ जाएगा। तो अभी अखंड ज्योत भी मैं घर के देसी घी से ही लगाती हूँ और नवरात्रि का जो खाना होता है वो भी मैं घी में ही बनाती हूँ। और मैंने अपनी जो है एक देसी दवाई बना ली थी, क्योंकि आजकल मैं देसी दवाइयाँ ही ले रही हूँ PCOD के लिए, और ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा तो आराम मुझे लग रहा है। और अभी मैं आलू की सब्ज़ी पतली पानी वाली रेशे वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, आलू की सब्ज़ी पानी वाली ही बनाने वाली हूँ। और उसके साथ मैं सिंगाड़े के आटे वाली पूरी बनाऊँगी। और अभी मेरे पास ना एक चटनी बनाने के लिए ऑर्डर आ गया था पड़ोस से, तो उसको जो है चटनी बना कर दी है। गेट लॉक कर गई हूँ, बाय तो कर दे मायरे दीदी को, बाय कर क्या कर दिया, एक बार और करिए। तो पहले सब्ज़ी मैंने बंद कर दी थी गैस, पहले चटनी बना कर दी है हरे धनिए की, क्योंकि दोपहर का टाइम है, उनको भी भूख लगी होगी, हमें भी भूख लगी है। और अभी बस सब्ज़ी बना ली है, सब्ज़ी बनाने के बाद पूरी बना के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सुबह बच्चों ने फ्रूट्स खाए थे और मैं जो है सुबह 6 बजे ही अपना नहा धो के पूजा कर दी थी मैंने हस्बैंड के साथ, लेकिन अखंड ज्योत भी लगाई हुई है और नवरात्रि हैं, तो इस चक्कर में ना मैं 2 बारी नहा लेती हूँ। तो अभी ना नहा कर ही आई हूँ और सुबह भोग मैंने फ्रूट्स का ही लगा दिया था। बेसिकली मेरा ये होता है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं भोग लगाती हूँ, अगर खाना मैंने अच्छा शुद्ध सात्विक बनाया है तो बिना लहसुन प्याज का। तो सिंगाड़े के आटे वाली पूरी मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, बट मैंने एक बारी खाई थी हल्दीराम की या बीकानेर की, तो बस मैंने खाई है इसलिए मैंने देखी है। तो मैंने सिर्फ आटा लगा के, और आटे में ना मैंने सिर्फ एक आलू डाला है, क्योंकि मुझे नहीं था आइडिया कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो भोग की थाली यहाँ पर रेडी है, तो व्यान भोग लगा देगा, तो और जो भोग है ना वो बच्चे ही ले लेते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। और पूरी मेरी जो है अच्छी बनी है, फूली फूली भी बनी है और अच्छी लग रही थी खाने में। और ये ज़्यादा मैं बच्चों के लिए ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो खाना बनाना ज़रूरी है ना, बच्चों की व्रत नहीं है। और जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं फिर सोचती हूँ कि मैं जो है व्रत वाला ही खाना बना लेती हूँ, तो फिर सबका ही हो जाता है। तो बच्चे यहाँ किचन में ही बैठ गए थे मेरे पास खाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे TV के सामने बैठेंगे या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो वहाँ से TV दिखता रहता है, तो बच्चे खाने में टाइम लगा देते हैं, खाना एक घंटा तो इनका चला ही जाता है और TV तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पुराने गाने चलाए हुए हैं मैंने। और फिर खाना खा के और बर्तन वगैरह सब कर करा के यहाँ पे मैं किचन साफ कर रही हूँ। और मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं दिन में एक बार तो ज़रूर गैस साफ करती हूँ सुबह को, जब मतलब सुबह का खाना बनाओ या शाम का खाना। और सारे अगर बर्नर गंदे नहीं हैं तो एक या दो तो गंदे होते हैं, तो उनको तो मैं साफ़ करती ही हूँ। तो मेरा पूरा किचन पूरा काउंटर ये सब कुछ साफ़ है। और शाम के लिए मैंने थोड़ी सी साबुदाना भिगो कर रख दिया है, और मेरी थोड़ी आवाज़ कमी आ रही होगी, पता नहीं, तेज़ बोलने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। तो साबुदाना भिगो कर रख दिया है यहाँ मैंने, फिर जो है मैं लेटने चली गई, फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है बेड शीट जो है जो धुलने के लिए डाली थी तो वो मुझे बिछानी भी है अभी। इनकी जो बेड शीट ना वो भी एक एक की है, क्योंकि जो पुरानी जो सारी बेड शीट हैं वो तो इन पे साइज़ आता नहीं है गद्दों पे, वो मोटे हैं गद्दे 8 इंच के 10 इंच के, तो अभी
धीरे धीरे शॉपिंग करनी होती है मुझे। मैं एक बार में ना ज़्यादा सारी नहीं करती हूँ कि मतलब पता चलेगा, धीरे धीरे करेंगे ये अच्छा है या फिर इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है। और मौसम ख़राब हुआ है और 4:30 बजे के आसपास ना मौसम ख़राब हो गया था, तेज़ हवाएं चल रही थी और व्यान से ना ये कपूर बर्नर वो जो है टूट गया, जो कि कांच का था और बहुत अच्छा लगता था। जो व्यान से ये पता नहीं हाथ लगा क्या हुआ तो वो टूट ही गया। मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी का प्लान ये था कि मैं बच्चों को लेकर डीकैथलॉन चली जाऊँगी, मतलब हस्बैंड ने बोला कि मुझे वहाँ पे आना है, व्यान की साइकिल लेनी है और साइकिल लेने के लिए ना काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके ये बोल दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑटो से अगर जाएंगे तो रेत वाली जो रेतीली हवा चल रही है ना उससे सारे ही जो है फेस पे और हाथ पैरों पे ना वो रेत रेत सा लग जाएगा, तो इसलिए मना कर दिया। तो हस्बैंड ने बोला है आने के लिए वो 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक और काम जो है बता दिया, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बाहर का तो खाना वाना होगा नहीं, और उधर से आते आते हमें 8 या 9 तो बज ही जाएंगे, मतलब 7 बजे यहाँ से जाएंगे तो 9 तो बज ही जाएंगे। तो कपड़े मैंने अपने यहाँ पर ये निकाल दिए, अवियान और मायरा के भी निकाल दिए, और जीन्स मैं इस कुर्ती पर डालूँगी क्योंकि जीन्स पहने मुझे बहुत टाइम हो गया है। मतलब सूट और साड़ी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं ना बिल्कुल ही भूल गई कि मेरे पास क्या क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और यहाँ पे व्यान तो हो जाएगा रेडी, लेकिन मायरा को थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी होती है मुझे। तो अभी का क्या प्लान था कि हस्बैंड आएंगे लेने, बट तब तक मुझे जो है खाना बना के रखना पड़ेगा, और खाने में मुझे बनानी है पकौड़ी। तो मैं यहाँ अपनी पकौड़ी बनाने लग गई हूँ और टाइम अभी 5:30 का हुआ है। तो पकौड़ी बनानी है मुझे, इधर मैंने खीरे का रायता बनाना है और पूजा भी करनी है, क्योंकि 6-7 बजे तक तो पूजा का टाइम भी हो जाता है, और उसके बाद रेडी होके हमें निकलना है। और लेकिन मेरी ना एक अच्छी बात ये होती है कि मेरे को जितने टाइम में जितना काम दिया जाता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम 15-20 मिनट पहले हो जाए और मैं रेडी होके जो है चली जाऊँ। हमेशा मेरा यही होता है, मैं कभी लेट नहीं करती, मुझे जितने टाइम में जितना काम दिया जाता है ना तो मैं कर ही लेती हूँ। और हर बार यही होता है, ज़्यादातर हस्बैंड के साथ जाना होता है ना शाम को, कितने जल्दी आ जाओ रेडी होके, और आपको 5 मिनट में आना है वहाँ पर, 10 मिनट में आना है, तो हमारा ये होता है। तो पूजा भी कर दी यहाँ पे, फिर बच्चों को रेडी कर दिया, और रेडी करना क्या, मायरा को ना बीच बीच में, मायरा जैसे पैंट खुद से निकाल लेती है, पैंट पहन लेती है, टी शर्ट पहनानी होती है मुझे, मायरा के बाल बनाने होते हैं, व्यान तो खुद से रेडी हो जाता है, बट कई बार व्यान के भी बाल बनाने होते हैं। मैं यहाँ व्यान से बोल रही हूँ कि व्यान ना मुझसे बड़ा हो गया है और मुझे थोड़ा ऊपर होके बाल बनाने पड़ते हैं, और मायरा का इधर मेकअप चल रहा है। फिर बस हम रेडी होके चले गए थे गाड़ी में, और गाड़ी में बैठते ही इनका जो है खाना जो है स्टार्ट हो गया। ये अपना जो है रायता मैंने बनाया था जो खीरे का, और आलू वाली पकौड़ी वो सब खाने लग गई। लेकिन मैंने फिर अपना 9 बजे आके बनाया था खाना, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे तो पकौड़ी नहीं खानी थी, थोड़ा रायता मैंने ले लिया था। और साइकिल व्यान की आई नहीं आई वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल हम डीकैथलॉन गए थे वो जो कि इंदिरापुरम में है, और साइकिल ही लेने गई थी, बाकी और भी सारे सामान लेने गई थी। चलो मायरा, तो व्लॉग आपको अगर अच्छा लगे तो अपना व्लॉग को शेयर कर दिया करो, किसी भी वजह से यूज़फुल रहता हो ना तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। सो आगे का व्लॉग मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप जैसा है वैसा ही आप जो देखेंगे। मंदिर ये मंदिर वाले नहीं है, पानी वाले देखो, लड्डू पानी वाले फाउंटेन। हाँ नहीं, हाँ क्या, नहीं 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 मायरो, ओ ना।
नहीं, इधर आ गया। ये बंदर लड्डू तो ये पकड़। देख अब मैंने भैया एक गेम दिलवा दिया। देख लड्डू थोड़ी सी एक पेंटिल मार के देख, चलाओ तो खा ले जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट।